हेलो दोस्तों, विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हरिशंकर प्रसाद मनोविज्ञान की पाठशाला के अंतर्गत जो है तीसरी क्लास लेने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत जो है मनोविज्ञान से संबंधित जो है प्रथम प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों के बीच में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है मनोविज्ञान से संबंधित जितनी भी दो वीडियो आप लोग देखे हैं, तीसरी वीडियो में उसी को ऑब्जेक्टिव बना करके आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया है। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें और जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को जो है पढ़ने का प्रयास करें, ताकि ये क्वेश्चन आपके तैयारी में जो है आपका सहयोग कर सके। तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो के। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच में है कि मनोविज्ञान में साइकी शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन में दिया है आत्मा, दूसरा ऑप्शन दिया है मन मस्तिष्क, और एक तीसरा दिया है उपयुक्त दोनों, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब आप लोग जो है पहली वीडियो देखे होंगे तो उसके अंतर्गत जो है हमने आपको बताया था कि जो है मनोविज्ञान में साइकी शब्द का क्या अर्थ है। तो साइकी शब्द का अर्थ का अर्थ दो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। नंबर एक नाम आता है गैरिट का, और एक नाम आता है पोम्पोलॉजी का। यदि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके सीटेट या यूपीटेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा कि नहीं जो है हम जो है एक ही चीज को जो है आत्मा को या मन या मस्तिष्क को ट्रिक करके और जो है ये खुश हो रहे हैं कि नहीं हमारा क्वेश्चन सही। देखिए, गैरिट ने जो वर्गीकरण किया था, तो गैरिट का वर्गीकरण क्या था कि जो है मनोविज्ञान जो है किसका विज्ञान है, आत्मा का, और जो है पोम्पोलॉजी ने जो इसी को क्या कहा था कि जो है मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जो है वो किसका विज्ञान है, तो मन या मस्तिष्क का। तो यदि इन दोनों में से दोनों ऑप्शन यदि क्वेश्चन में बने हुए हैं, तो हमेशा जो है ये दोनों ऑप्शन ही सही होंगे। इसलिए जो है सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा उपर्युक्त दोनों। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान का शाब्दिक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था। ये भी क्वेश्चन जो है अपने आप में जो है जबरदस्ती कहा जा सकता है कि जो है मनोविज्ञान का शाब्दिक वर्गीकरण जो है सबसे पहले किसने किया था। तो इसमें नाम दिया अरस्तु, गैरिट, पोम्पोलॉजी और जान लॉक। देखिए, सबसे पहले शाब्दिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, गैरिट के द्वारा। और गैरिट जो है किस पक्ष में अपना विचार रखते थे, तो मनोविज्ञान के आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। और इस पक्षधर में जो है प्रवर्तक के रूप में नाम आता है किसका,
अरस्तु का। अरस्तु ने जो है सबसे पहले ये बताया कि जो है मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। उसी चीज़ को जो है आगे चल करके जो है पोम्पोलॉजी का नाम आता है। तो पोम्पोलॉजी और जॉन लॉक ये दोनों लोग जो है किसको मानने वाले थे, तो पोम्पोलॉजी का नाम आता है और जॉन लॉक का नाम आता है मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। यहाँ देखिए सबसे पहले शाब्दिक वर्गीकरण जो है गैरिट के द्वारा किया गया था, और इसमें गैरिट जो है कितने नंबर पे हैं, बी वाला ऑप्शन सही होगा। और जो है बी वाले ऑप्शन के द्वारा जो है अरस्तु और गैरिट दोनों जो है एक ही मत को मानने वाले थे, जिसका नाम क्या था, आत्मा का विज्ञान। और यहीं से पोम्पोलॉजी के बारे में और जान ला ये दोनों लोग किसको मानने वाले थे, तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, आत्मा एवं मस्तिष्क का विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान का जनक तथा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है मनोविज्ञान का जनक तथा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, सुमेलित क्रम बताइए। देखिए एक नाम आता है अरस्तु और जॉन लॉक, एक बी में दिया है विलियम वुडवर्थ और विलियम जेम्स, और तीसरा नाम दिया है अरस्तु एवं विलियम बुंड, और एक नाम दिया है डेकार्टे और रिचेरी। देखिए यहाँ जो है मनोविज्ञान का जनक और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछ रहा है। तो हमने अब क्लास वाली वीडियो में जो है आपको बताया था कि जो है मनोविज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है, अरस्तु को। और दूसरा आपको बताया था कि यदि यही क्वेश्चन बदल करके पूछ दे कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसमें किसका नाम आता है, विलियम वुंड को, और पहला अरस्तु। अब यही दो जोड़ी हमको जो है इस सुमेलित क्रम में खोजना है, अरस्तु और जॉन लॉक, वुडवर्थ और विलियम जेम्स। तो अरस्तु जॉन लॉक होगा नहीं, वुडवर्थ और विलियम जेम्स होगा नहीं, और अरस्तु विलियम बुंट है और डेकार्टे रिचेरी है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि वीडियो यदि थियरी की आप देखे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग यदि चलें तो देखें कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु और जो है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो है विलियम बुंट। तो यही वाला जो है आंसर सही होगा, और जो है क्वेश्चन नंबर तीन का जो है सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा क्वेश्चन, ये कौन सा कथन असत्य है। यहां देखिएगा पहला जो है उत्तर दिया है कि यह अवलोकनी व्यवहार पे बल देता है, मतलब ऑब्जर्वेशन बिहेवियर। तो ये क्या है, व्यवहारवाद में जो है व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जब तक जो है हम व्यवहारों का अवलोकन नहीं करेंगे तब तक जो है किसी भी व्यक्ति के क्रियाकलाप का हम अध्ययन नहीं कर सकते, तो ये तो सही है। दूसरा क्या दिया है, यह चेतना का विरोध करता है, ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ जो है विलियम मैकडूगल ने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें जो है चेतना का विरोध किया था, और इसी के आधार पे जो है ये चीज़ जो है व्यवहारवाद के अंतर्गत जो है जुड़ जाती है,
कि व्यवहारवाद यदि है तो चेतना का विरोध होगा। और ये कथन किसने बताया था? विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। फिर एक अगला दिया है कि यह वातावरण पे बल देता है। जब हमने जो है वाद पढ़ा था, संप्रदाय पढ़ा था, तो उसमें जो है हमने जो है एक व्यवहारवाद संप्रदाय को पढ़ा था, जिसके जो है प्रणेता के रूप में जेबी वाटसन का नाम आता है। और उन्होंने कहा था कि जो भी क्रियाएं व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं उस पर सबसे अधिक किसी का प्रभाव पड़ता है, तो किसका पड़ता है? वातावरण का। तो ये तीनों तथ्य तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों तो व्यवहारवाद के फेवर में, लेकिन क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है कि जो व्यवहारवाद के फेवर में नहीं है, असत्य है, तो यहाँ देखिए क्या है, यह अंतर्दर्शन विधि को क्या करता है? स्वीकार करता है। यही वाला ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर होगा। आंसर क्या होगा, क्यों होगा, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अंतर्दर्शन विधि के जो प्रणेता हैं वो किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है, जिन्होंने जो है किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया था? संरचनावाद का। और संरचनावाद का स्वीकारीकरण जो है व्यवहारवाद कभी नहीं करता है। संरचनावाद में जो है चेतना को सबसे ज़्यादा जो है अहमियत दिया गया, लेकिन व्यवहारवाद में जो है सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दिया गया? तो उद्दीपक एवं अनुक्रिया, और साथ साथ में जो है व्यक्ति के व्यवहार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जिसका होता है उसका नाम बताया गया क्या? वातावरण। नेक्स्ट, विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा किसने दी है? ये भी क्वेश्चन जो है आ चुका है, यूपी टेट में भी आ चुका है और सी टेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान रखिएगा, छोटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है लेकिन ये क्वेश्चन छोटा नहीं है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इसको ध्यान से रखिएगा। देखिए जो है, विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा किसने दी थी? तो लघु समाज की संज्ञा जो है किसने दी थी? तो ऑप्शन सही होगा क्या? जॉन डीवी ने जो है विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा दी थी। फिर उसके बाद एक ऑप्शन दिया इसमें जीन पियाजे, तो जीन पियाजे का संबंध किससे था? संज्ञानात्मक विकास से। किससे था? जब ऑप्शन में है तो इनके बारे में भी जान लीजिए आप लोग, संज्ञानात्मक विकास। फिर उसके बाद जो है किलपैटिक को जो है प्रोजेक्ट मेथड का पितामह माना जाता है। प्रोजेक्ट विधि का निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन लघु समाज की संज्ञा किसने दी? जॉन डीवी ने। फिर उसके बाद यदि जीन पियाजे का नाम आया है तो इन्होंने जो है कौन सी थियोरी दी थी संज्ञानात्मक विकास की, और किलपैटिक का नाम आता है तो ये भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादक कौन है, तो कौन है? किलपैटिक। यहाँ जो है विद्यालय को लघु समाज क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका उत्तर सही होगा वो क्या होगा? सी। और जो है ये चीज़ें जो है व्याख्यात्मक हैं, जो आगे चल करके आपको काम देंगी। अगला देखते हैं फिर। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया? या जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत का क्या नाम था? तो ये देखिए, हाइंस की दुविधा जो है एक स्टोरी है, और इसमें हाइंस नाम का एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और उसकी तबीयत पे जो है बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पे जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है अपने विकास की अवस्था का वर्णन किया, या विकास की अवस्थाओं का यदि वर्णन किया, तो ऑप्शन में यदि देखा जाए तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत, या इसको बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट
मेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है इस नैतिक विकास के सिद्धांत को जो है तीन अवस्थाओं में वर्गीकृत किया था और प्रत्येक अवस्था का एक उप दो दो उप चरण थे। तो कुल मिलाकर के जो है छह भाग बनते हैं, तीन के दो यदि पार्ट्स करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति का कौन सा क्रम सही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति का सही क्रम कौन सा है? यदि आप लोग थियरी की वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को जो है इसको बहुत ज़्यादा सुमेलित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन केवल आप जो है यदि प्रैक्टिस सेट की वीडियो देखते हैं या प्रैक्टिस सेट की वीडियो के आधार पर यदि इसके सही कालक्रम को जो है यदि आप लोग सुमेलित करने का प्रयास कर रहे हैं तो चलिए देखा जाए। देखिए, हमने वीडियो में जो है आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय, मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय जो है कौन सा था? संरचनावाद, संरचनावाद। दूसरा जो है वाद क्या था? प्रकार्य वाद। यहाँ जो है संरचनावाद में वुंट का नाम आता है और यहाँ जो है प्रकारवाद में जो है जेम्स का नाम आता है। और जो है तीसरा वाद जो आया, तीसरा वाद जो है कौन सा होगा? गेस्टाल्टवाद होगा कि व्यवहारवाद होगा? तो तीसरे में जो है क्या नाम आता है? गेस्टाल्टवाद। और सबसे अंतिम वाद क्या होता है? तो व्यवहारवाद। अब इसी क्रम को आप लोग मिला लीजिए, कौन सा क्रम है? पहला क्या है? संरचनावाद। देखिए तीसरा कहाँ है? पहले में तीसरा ये है डी वाले में। फिर उसके बाद जो है संरचनावाद के बाद जो है प्रकार्यवाद, दो नंबर ये है। और फिर उसके बाद जो है गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद जो है तीसरे नंबर पे। और सबसे बाद में जो है व्यवहारवाद आएगा। तो ऑप्शन चौथा जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर सात, मनोविज्ञान की विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति का सही क्रम। तो तीन, दो, चार और एक, पहले संरचनावाद, फिर उसके बाद प्रकार्यवाद, फिर उसके बाद गेस्टाल्टवाद और फिर उसके बाद व्यवहारवाद। नेक्स्ट चलते हैं आप। बच्चों का विकास इनमें से किसका जो है, बच्चों का विकास, क्वेश्चन नंबर आठ, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, अनुवंशिकता का मतलब है हेरिडिटी बोलते हैं इसको। और जो है दूसरा क्या बता रहा है आंसर? केवल वातावरण का। तीसरा क्या है? विद्यालय और शिक्षा का। और जो है चौथा दे रहा है अनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतर क्रिया का। देखिए क्वेश्चन जो है पानी की तरह साफ है, लेकिन केवल हमको ये देखना है कि जो सबसे, ये भी जो है सीटेट का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ चुका है। केवल बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम लोग जो है आनन फानन की स्थिति में हम लोग जो है सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए विकल्प हम लोगों के क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। सबसे पहले जो है कि डी डेवलपमेंट बराबर क्या होगा? एच गुणे ई। अगर इसको याद रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं गड़बड़ हो सकते हैं। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब जो है विकास में जो है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का जो है प्रभाव समान रूप से पड़ता है। केवल आनुवंशिकता के आधार पे हम विकास को परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि माता पिता के जो भी कैरेक्टर हैं वही केवल बच्चे में रहेंगे। तो माता पिता यदि चोर हैं तो क्या बालक को चोर ही बनाएंगे हम लोग? तो इस तरह के लक्षण नहीं हैं।
फिर उसके बाद जो है केवल वातावरण का, तो केवल वातावरण का ही प्रभाव जो है सकारात्मक नहीं होता, जो पीछे की चीज़ें जो है आदर्श होती हैं वो जो है बालक जो है माता पिता से भी सीखता है, उच्च आदर्शों को जो सामाजिक नियम या प्रतिमान है सारी चीज़ों को सीखता है, इसलिए जो है विकास के अंतर्गत आनुवंशिकता और वातावरण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो है डी वाला सही होगा। और इस सूत्र को आप लोग याद रखिए कि डेवलपमेंट किसका जो है परिणाम है, तो हेरिडिटी और जो है इन्वायरमेंट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विलियम मैकडूगल के अनुसार जो है मनोविज्ञान है, विलियम मैकडूगल के अनुसार जो है मनोविज्ञान क्या है, तो सबसे पहले विलियम मैकडूगल को ही हम लोग जान लेते हैं कि विलियम मैकडूगल कौन से थे। तो विलियम मैकडूगल का संबंध जो है व्यवहारवाद से था, किससे था, व्यवहारवाद से। और इन्होंने जो है व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया था। तो देखिए यहाँ जो है व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद जो है विलियम मैकडूगल ने जो है मनोविज्ञान के बारे में जो है एक कथन या अपनी परिभाषा भी दी थी कि जो है मनोविज्ञान जो है आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यदि जो है आप लोग थियोरी की वीडियो देखे होंगे, कॉन्सेप्ट में यदि होगा तो यहीं से आप पकड़ लेंगे कि आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। किसके अकॉर्डिंग, विलियम मैकडूगल के अनुसार। तो यहाँ बना लीजिएगा यम बराबर ए बी वाई। मैकडूगल ने जो है मनोविज्ञान की परिभाषा को किस रूप में बताया, तो मैकडूगल ने क्या बताया, आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। तो यम बराबर ए बी वाई। यदि इस सूत्र को आप अपने दिमाग में एक बार सेट कर लेंगे तो कहीं भी किसी भी प्रकार का एग्जाम होगा तो आप इस सारे ट्रिक के आधार पर जो है आसानी से इस चीज़ को पकड़ सकते हैं कि विलियम मैकडूगल ने जो है मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया था। तो ए का मतलब हो जाएगा आचरण, बी का मतलब हो जाएगा व्यवहार, और वाई का मतलब हो जाएगा यथार्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 वर्षीय लीला ने बटनों के उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया और फिर उनसे जो है सभी समूह के बटनों को एकत्रित किया। देखिए इस क्वेश्चन को सी टेट में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल यहाँ एक चीज़ पढ़िए कि ये 9 वर्षीय पूछा है, 9 वर्षीय लीला। और एक चीज़ क्या है यहाँ पढ़िए केवल, जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। दो क्वेश्चन जो है केवल इसमें चीज पढ़िए कि 9 वर्षीय लीला और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्वेश्चन पे आप नज़र डालें चाहे मत डालें, यहीं से जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का वर्गीकरण कर दीजिए। 0 से लेकर के 2 वर्ष क्या हो जाएगा, संवेदी गामक, और 2 से लेकर के 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, और 7 से लेकर के 11 जो है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा और लास्ट क्या है 11 से लेकर के और 15 वर्ष तक जो है ये कौन सा है, तो अमूर्त संक्रियात्मक है। ये 4 जो वर्गीकरण किसके द्वारा किए गए, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। अब यहाँ एज के आधार पे ही क्वेश्चन है, यहाँ सबसे अच्छा ट्रिक यही बन सकता है कि हम देखें कि कौन से क्रम में 9 वर्ष आ रहा है। तो 9 वर्ष जो है किस क्रम में आ रहा है, 7 से लेकर के और 11, और 7 से 11 जो है कौन सा क्रम है, मूर्त संक्रियात्मक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 10 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला, क्योंकि जो है मूर्त संक्रियात्मक के चरण से या सिद्धांत से जो है कौन गुजर रहा है, 9 वर्षीय लीला गुजर रही। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आप सी टेट के एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको पढ़ने में जो है 1-2 मिनट लग जाता है, लेकिन यदि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का यदि स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया आपने तो ये केवल मात्र जो है 5 या 10 सेकेंड का क्वेश्चन आपके लिए होगा, अगर आपने जो है अध्ययन किया है तब। अगर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 9 वर्षीय कार्यक्रम
लीला का देख लीजिए और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का चरण देख लीजिए, उसमें 9 वर्ष कहाँ आ रहा है, वही वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विश्व में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो है कब स्थापित की गई थी? पहली प्रयोगशाला जो है कब स्थापित की गई थी? तो देखिए कब स्थापित की गई थी, 1916 भारत में, और जो है 1879 लिप्जिंग में, और जो है 1892 अमेरिका में, और 1938 इंग्लैंड में। तो सबसे पहले जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला ये पश्चिमी दर्शन पर आधारित जो है विषय है, जिसकी शुरुआत जो है पश्चिमी दर्शन के आधार पर हुई थी, और इसमें जो है अरस्तु का, पोम्पोलॉजी का, विलियम बुंट का, और जो है जे बी वाटसन का विशेष रूप से सराहनीय योगदान माना जाता है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो भारत में तो की नहीं की गई थी, और जो है दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है लिप्जिंग शहर जो है जर्मनी। तो हम लोगों ने जो है पिछली वीडियो में अपने आपको बता चुका है कि जो है प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण जो है वुंट के द्वारा जो है किया गया था 1879 में, और ये लिप्जिंग नगर जो है जर्मनी में स्थापित था, जिसे लिप्जिंग विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था, और वर्तमान समय में जो है इस विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ कॉलम दिया है, और कॉलम में दिया है कॉलम एक और कॉलम दो। यहाँ पूछा क्या है, मनोवैज्ञानिकों का नाम पूछा है, और मनोवैज्ञानिकों के नाम के साथ साथ उनके संप्रदाय की भी व्याख्या की गई। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमको मिलाना है कि कौन सा संप्रदाय किस मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड है। यहाँ देखिएगा पहला दिया है मनोविश्लेषण विश्लेषणवाद, और एक दिया है व्यवहारवाद, और फिर एक दिया है गेस्टाल्टवाद, और एक दिया है निर्मितिवाद, और इधर दिया है सीएल हल, क्लार्क एल हल, और यहाँ दिया है लेव वाइगोत्स्की, सिगमंड फ्रायड और मक्स वर्दीमत। देखिए हम यहाँ जो इस क्वेश्चन का जवाब ही आप लोगों के सामने रख दे रहे हैं। सबसे पहले क्या है, मनोविश्लेषणवाद, ये जो है किसकी उपज है, तो फ्रायड की, और ये जो है एक ऑस्ट्रियन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है मन को 3 भागों में बांटा था, एक था चेतन मन, एक था जो है अचेतन मन, और एक था अर्धचेतन मन। दूसरा क्या पूछ रहा है, व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद का संबंध किससे है, जे बी वाटसन से, और फिर उसके बाद क्या है, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद का संबंध किससे है, तो गेस्टाल्टवाद का संबंध जो है मैक्स वर्दीमर और एक नाम आ रहा है निर्मितिवाद, तो निर्मितिवाद जो है ये किसका किससे संबंधित है, तो वाइगोत्स्की। यहाँ आप मिला लीजिए मनोविश्लेषणात्मकवाद, तो मनोविश्लेषणात्मकवाद में फ्रायड आ रहे हैं, तो फ्रायड का नाम कहाँ है, सी पे। अब यहाँ आप देखिए पहले का सी कहाँ है, यहाँ भी दे रहा है, सी में भी दे रहा है, डी में भी दे रहा है। फिर उसके बाद व्यवहारवाद है, तो व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, जे बी वाटसन को, लेकिन जे बी वाटसन का नाम नहीं है, लेकिन व्यवहारवाद का समर्थन जो है वाटसन का किसने किया था, क्लार्क एल हल ने किया था। तो क्लार्क एल हल जो है तो 2 का A सी वाले में, और फिर उसके बाद गेस्टाल्टवाद का संबंध जो है किससे है, तो गेस्टाल्टवाद का संबंध जो है मैक्स वर्दीमर, तो ये कहाँ आ रहे हैं, तीसरा का जो है डी, और जो है एक नाम आ रहा है निर्मितिवाद, तो जो छूटा हुआ है बी। तो आप मिला लीजिए सी ए डी और बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है
कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा। आप लोग मिला लीजिएगा। मनोविश्लेषणात्मक बात का जनक जो है सिगमंड फ्रायड को, और जो व्यवहारवाद का जनक जो है जेबी वाटसन को कहा जाता है। लेकिन जेबी वाटसन का नाम जो है इस क्वेश्चन के व्याख्या में नहीं की गई है, तो क्लार्क एलहल का नाम जो है व्यवहारवाद के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद गेस्टाल्टवाद, वैक्स वर्दिमर का नाम आता है, और फिर उसके बाद जो है निर्मितिवाद, तो लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक प्रगतिशील कक्षा में, तो प्रगतिशील कक्षा का मतलब क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब जिसमें जो है बालक को ध्यान में रख करके अधिगम एवं शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा को ही प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत क्या है? शिक्षण जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। पहला ही गलत हो जाएगा। शिक्षण जो है पाठ्य पुस्तक नहीं, बाल केंद्रित होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है? योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, योगात्मक परीक्षा पर बल नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और एक दे रहा अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। देखिए, दंड और पुरस्कार, विशेष रूप से दंड की तो व्यवस्था अधिगम में मनोवैज्ञानिकों ने की ही नहीं, कि जो है नहीं शारीरिक प्रताड़ना दे करके या उनके अंदर भय पैदा करके हम कभी भी बालक को अधिगम से नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये भी जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और यही चीज़ हमने शुरू में ही लिख दिया है यहाँ कि बाल केंद्रित शिक्षा मतलब जो है प्रगतिशील शिक्षा में जो है अध्ययन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यदि किसी की भूमिका होती है तो किसकी होती है? विद्यार्थी की होती है। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग कब खोला गया था? तो स्वतंत्र विभाग जो है कब खोला गया था? 1924 में, और जो है 1916 में, और जो है 1922 में, और 1938 में। तो देखिए, यहाँ जो है इस क्वेश्चन का सीधे सीधे जवाब आप ले लीजिए कि जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो है मनोविज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग जो है कब खोला गया था? 1916 में, और यही वाला ऑप्शन क्या होगा? बी वाला सही होगा। लेकिन यहाँ जो है वर्ष 1922 भी दिखा रहा है, तो 1922 की क्या उपलब्धि है इतिहास के अंतर्गत? तो 1922 में जो एक असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, आंदोलन को सक्रिय करने के लिए जो है महात्मा गांधी ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, या भारत में जो सरकार विदेशी चल रही थी, उसके वायसराय को जो है लिखित सूचना प्रदान किए, और 1922 में जो है इनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चला करके महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सज़ा कर दी जाती है। लेकिन बाद में चल करके 2 वर्ष बाद ही छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जो है सोशल साइंस का भी मिल सकता है 1922 में। फिर 1924 में जो है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था, और बेलगांव अधिवेशन हुआ था, और ये अधिवेशन जो है ऐसा अधिवेशन था जिसमें जो है महात्मा गांधी ने जो है पहली बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और 1938 में जो है दो महान हस्तियों का जन्म भी हुआ था। एक था जो है उत्तर ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे शीला दीक्षित का, और एक महान अभिनेता थे शशि कपूर, जिनका जन्म जो है 1938 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन रहे, शेष अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान, बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का और प्रशासक का। तो देखिए, जो है मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो है सबसे अधिक जो है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किसी का माना जाता है, तो किसका माना जाता है? बालक का माना जाता है।
न कि अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का। कहने का मतलब क्या है कि यदि बालक सक्रिय होगा तभी जो है हम उसको जो है सिखा सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं या उसको किसी भी अधिगम की प्रक्रिया में जो है जोड़ सकते हैं। यदि बालक सक्रिय नहीं है तो ये सारी शक्तियाँ जो है क्या है, निरर्थक है। इसलिए बाल मनोविज्ञान ने सबसे ज़्यादा यदि स्वीकारिता स्वीकार की है तो मनोविज्ञान में किसकी की है, बालक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश करके दिया है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना किसके संदर्भ में होता है। तो देखिए हम ऑप्शन में जो है दिया गया है तो कभी कभी क्वेश्चन को सकारात्मक न देखते हुए यदि नकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तब भी हमारे क्वेश्चन मिलने के आसार रहते हैं, आंसर मिलने के आसार रहते हैं। सबसे पहले अभी जो है हम लोगों ने पीछे देखा कि मनोविश्लेषणात्मक वाद व्यवहारवाद की चर्चा अभी जो है इसी क्वेश्चन में पिछली कड़ी में देखे हम लोग। यह पूछ रहा है कि जो लेव वाइगोत्स्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जो है कौन सा जो है थाट या विकास का सिद्धांत दिया था, तो मनोगतिशील दिया है और मनोलैंगिक दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक दिया है और दिया है व्यवहारात्मक। तो सबसे पहले मनोगतिक और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, फ्रायड के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रायड के द्वारा दिया गया था। और जो है व्यवहारात्मक जो है विकास की बात किसके द्वारा कही गई थी, तो जेबी वाटसन के द्वारा कही गई थी। अब जो तीन ऑप्शन तो इसी तरह से आपके निकल गए, अब तीन ऑप्शन आपके नहीं हैं। अब आसानी से जो है आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है ढूंढ सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने समाज संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इनके सिद्धांत को जो है सामाजिक सांस्कृतिक एवं भाषा का सिद्धांत भी कहा जाता है। और लेव वाइगोत्स्की का मतलब होता है, वाइगोत्स्की बराबर होता है क्या, यस सी और यल, मतलब वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक का मतलब सोशल, सांस्कृति का मतलब कल्चर और यल का मतलब लैंग्वेज, ये तीन चीज़ों को जो है विशेष रूप से संदर्भित करते हुए इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था। और इसको आप लोग भी बराबर या सीएल बोल सकते हैं कि जो है वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक और भाषाई आधार पे जो है अपने अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया था। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्कूल में व्यवहार को उद्दीपक और अनुक्रिया मॉडल के रूप में व्याख्या की गई, निम्नलिखित में से किस स्कूल में। हमने बताया था कि जो है स्कूल का मतलब मनोविज्ञान के अंतर्गत किससे बताया गया था, संप्रदाय, मतलब किसी एक विचारधारा को मानने वाले विचारकों का जो एक प्लेटफार्म होता है उसी को जो है मनोविज्ञान का स्कूल कहा जाता है या मनोविज्ञान का प्लेटफार्म कहा जाता है। और देखिए यहाँ यही चीज़ कहा गया है कि सबसे ज़्यादा किस संप्रदाय में उद्दीपक और अनुक्रिया की बात कही गई है, तो संरचनावाद में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था, चेतना पे। और उसके बाद जो है प्रकारवाद में क्या हुआ था, चेतना के कार्य पे बात की गई थी। और एक वाद आया था व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद पे जो है किसकी बात कही गई थी, वाटसन के द्वारा उद्दीपक एवं अनुक्रिया की बात की गई थी। और यही वाला ऑप्शन जो बी वाला है क्वेश्चन नंबर 17 का जो बी वाला ऑप्शन है, यही ऑप्शन क्या होगा, उद्दीपक और अनुक्रिया। तो व्यवहार को जो है उद्दीपक और अनुक्रिया मॉडल के रूप में व्याख्या कौन करता है, तो व्यवहारवाद करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व कौन सा है, तो शैक्षिक प्रक्रिया का मुख्य तत्व कौन सा है। देखिए अधिगम करता है तो इस जितने भी ऑप्शन आपको दिए हैं
सबसे पहले आप देख लीजिए एक चीज कॉमन है, हर में अधिगम करता, मतलब अध्ययन करने वाला, या इसको ये कह सकते हैं कि शिक्षा लेने वाला व्यक्ति है, अधिगम करता कहलाता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ हमको सेलेक्ट करना है कि जो है कौन सा मुख्य तत्व जो है जो सीरियल क्रम में होगा। तो सबसे पहले जो है अधिगम शैक्षिक प्रक्रिया में जो है सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, अधिगम कर्ता का। अधिगम कर्ता के बाद क्या होगा, शिक्षक का। और शिक्षक के बाद जो है क्या होगा, अधिगम अनुभव का। अधिगम अनुभव, क्योंकि जो है शिक्षक के अंदर यदि अनुभव नहीं रहेगा तो किसी भी बालक को शिक्षक जो है अधिगम की प्रक्रिया से जोड़ नहीं सकता है। फिर उसके बाद क्या है, अधिगम प्रक्रिया, मतलब जो है अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, मतलब किस अधिगम अनुभव का जो है किस प्रक्रिया में जो है हमको प्रयोग करना है। और एक है क्या, लास्ट अधिगम परिस्थितियां, अधिगम यही क्रम बनेगा, पहला अधिगम करता, फिर शिक्षक, फिर अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियां। और ये क्वेश्चन का जवाब जो है 18 का डी होगा। और ये क्वेश्चन जो है सी टेट में जो है पूछा जा चुका है, या जो है आने की संभावना भी हो सकती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सी टेट में जो रिलेटेड हो जाते हैं पीछे की कक्षाओं से, या पीछे के एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड हो जाते हैं, जो सेम टू सेम उसी प्रकार से होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब जो है सेक्शन, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन सा कारक जो है समाजीकरण का जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? तो प्राथमिक कारक नहीं है, प्राइमरी फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब वो कौन सा कारक है जो समाजीकरण का जो प्राथमिक साधन है और द्वितीयक साधन है। तो देखिए, समाजीकरण का जो प्राइमरी कारक जो होता है, वो प्राइमरी कारक जो होता है वो होता है क्या, परिवार, फिर उसके बाद क्या है, पास पड़ोस, और उसके बाद क्या होता है, समकक्ष। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कारक नहीं है, तो यहाँ क्या है, डी सरकार। और फिर यदि पूछ दे आपसे, यही इसकी जगह पे दे दे विद्यालय, तो ये भी जो है क्या होगा, सेकेंडरी फैक्टर होगा या सेकेंडरी कारक होगा। तो सरकार, विद्यालय हुआ, कानून व्यवस्था हुआ, ये सभी क्या हैं, समाजीकरण के जो है दूसरे कारक हैं। लेकिन परिवार, पास पड़ोस और समकक्षी, ये जितने भी नेटवर्किंग पाई जाती है, आसपास पड़ोस, परिवार, जिसमें हम की भावना या जो है अपनेपन की भावना जो है अधिक होती है, उसको जो है क्या बोला जाता है, प्राइमरी कारक। तो यहाँ जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक विद्यालय में बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता दीजिए। देखिए, जहाँ जो है लड़के और लड़कियों के तुलनात्मक कौशल के आधार पे जहाँ भेदभाव की स्थिति पाई जाती है, ऐसी स्थिति में जो है एक क्वेश्चन हमेशा जो है सी टेट में रन करता है। और इसमें जो है ऑप्शन जो है आपका डी सही होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जहाँ भेदभाव करने की स्थिति उत्पन्न होगी किसी के द्वारा, चाहे वह अध्यापक के द्वारा, चाहे परिवार में जो है बड़े गार्जियनों के द्वारा, तो ऐसे कंडीशन में जो है जेंडर रूढ़िवादिता ऑप्शन जो है सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के बुद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसमें क्वेश्चन का जवाब दिया है, एक दिया है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में जो है
जन्म से लेकर के और जो है 12 या 18 वर्ष तक की अवस्था का अध्ययन किया जाता है, और किशोर मनोविज्ञान दिया है तो किशोरावस्था का ही अध्ययन होगा, और स्वास्थ्य मनोविज्ञान है तो इसमें केवल जो है स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे ही चर्चा की जाएंगी, लेकिन यहाँ गर्भावस्था से लेकर के और वृद्धावस्था तक विकास के क्रम का अध्ययन, तो एक ऑप्शन दिया है इसमें क्या विकासात्मक मनोविज्ञान, तो यही वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्राय कोई व्यक्ति कोई कार्य क्यों कैसे करता है, इसका प्रति उत्तर निम्न में से किस संप्रदाय में समाहित है? तो देखिए मनोविश्लेषणात्मकवाद के अंतर्गत ऑप्शन में दिया है पहला मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, तो इसमें क्या होता है कि मन के आधार पे जो है, तो मन को जो है कब क्यों और कैसे के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और मनोविश्लेषणात्मक बाद में मन को तीन भागों में बांटा गया, एक है चेतन और एक है जो है अचेतन और एक क्या है अर्ध चेतन। अर्ध चेतन मन, फिर उसके बाद क्या है व्यवहारवाद में जो है क्या है उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक एवं अनुक्रिया, ये सब क्या है व्यवहारवाद के अंतर्गत था। और संरचनावाद में जो है कि इसको इम्पोर्टेंट दिया गया, तो चेतना को दिया गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्राय कोई भी व्यक्ति कोई कार्य क्यों और कैसे करता है, इसका प्रति उत्तर जो है निम्न में से किस संप्रदाय में समाहित है? तो जो है कब क्यों और कैसे जो है किस संप्रदाय से रिलेटेड है, तो प्रयोगात्मक से है। किससे है? प्रयोगात्मक संप्रदाय से है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है अपने आप में मोस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है। सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि जो है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इसकी घोषणा कब की गई, तो घोषणा की गई थी 29 जुलाई 2020 को, और इसके अध्यक्ष कौन से थे, तो अध्यक्ष का नाम क्या था के कस्तूरी रंजन थे, जो मिसाइल वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अध्यक्षता की। और इसके अंतर्गत क्वेश्चन रखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह, देखिए यहाँ एक तरह की भाषा है, एक तरह की भाषा के आधार पर हम कभी भी बच्चों का सही ढंग से विकास नहीं कर सकते, वो भी प्रारंभिक स्टेज में। फिर उसके बाद क्या जाए शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम का प्रयोग, दो भाषा तीन भाषा ये कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद क्या है बहुभाषा, ये भी जो है ऑप्शन सही नहीं होगा। बस केवल एक ही कंडीशन इसमें है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा के आधार पर ही सिखाया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 की पॉलिसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषाओं के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी मातृभाषा के आधार पर जो है प्रारंभिक दिनों की शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सकें और उससे अपना जो है उस वातावरण में समुचित विकास कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने के लिए किस कारक का महत्वपूर्ण योगदान है? देखिए यहाँ मनोविज्ञान को ही नहीं, जितने भी विज्ञान हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, किसी को विज्ञान कहलाने के लिए इन तीन मानकों को जो है विशेष रूप से पूर्ण करना पड़ेगा। एक क्या है वस्तुनिष्ठता, एक क्या है क्रमबद्ध अध्ययन और एक क्या है नियंत्रित प्रयोग।
इसलिए जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। और इसको आप लोग देख लीजिए, केवल मनोविज्ञान विषय की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विज्ञान का कोई भी विषय हो यदि वो मानक को पूरा कर रहा है, अगर उसे विज्ञान का दर्जा प्राप्त है, तो इन तीन मानकों की पूर्ति जो है उसके द्वारा की जाएगी, तभी उसे विज्ञान का दर्जा मिल सकता है, अन्यथा उसे विज्ञान का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विकास के किस क्षेत्र का संबंध जो है बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना से है? तो देख लीजिए यहाँ क्या है, संवेगात्मक विकास दिया। संवेगात्मक विकास का मतलब क्या है, संवेग मनोदशा से। तो मनोदशा में जो है ध्यान स्मृति या ही उत्तेजित दशा होती है संवेग, तो इसका कोई विशेष योगदान नहीं होता है। फिर एक दिया है सामाजिक क्षेत्र, तो सामाजिक क्षेत्र में जो है ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ध्यान है, स्मृति है, समस्या समाधान है, कुछ चीज़ें आएंगे और कुछ चीज़ें नहीं आ सकती हैं। और शारीरिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, बाह्य संरचना में जो विकास हो रहा है या शरीर के अंदर की जो संरचना है उसमें। तो इसमें जो है केवल क्वेश्चन हम लोगों को घुमा करके यही पूछ रहा है कि ध्यान, जिसको हम लोग मनोविज्ञान की भाषा में अवधान बोलते हैं, अटेंशन जिसको बोलते हैं, और एक क्या है स्मृति, जिसको मेमोरी बोला जाता है, एक जो है समस्या समाधान है, कल्पना है, रचना मतलब सृजनात्मक अध्ययन से है। तो एक ही ऑप्शन इसमें सही है जो आप लोगों को चूज करना है। और ये क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत, बौद्धिक सामर्थ्य के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना किससे रिलेटेड है, तो संज्ञानात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन सही होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र से होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों एवं भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? तो देखिए यहाँ क्या है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय है जो विश्लेषण में अवचेतन मन, तो देखिए जहाँ भी मन की बात होगी, तो मन की बात जहाँ भी होगी तो एक नाम आएगा किसका, फ्रायड का। और फ्रायड ने जो है एक मन दिया चेतन, दूसरा मन दिया क्या अवचेतन, और एक नाम दिया क्या अर्ध चेतन। और हम लोगों से क्या पूछ रहा है, अवचेतन पूछ रहा है, तो यहाँ क्या है अवचेतन, और ये क्या है अवचेतन का मतलब सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड का संबंध जो है किससे था, तो मनोगतिक या जो है क्या है मनोविश्लेषण वाद से था, और यही वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का जो है कौन सा सही होगा, मनोगतिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ दिया है सूची एक में जो है कुछ पुस्तकें दी गई हैं, और सूची बी में जो है या सूची दो में जो है क्या दिया गया है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है एमाइल किसकी रचना है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी रचना है, एम्पिरिसिज्म किसकी रचना है, और एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी रचना है। तो देखिए इसमें एक आध पुस्तकों का नाम हमने अपने पहले ही जो है थियरी क्लासेज में आपको बता दिए हैं, जिसमें एक नाम आता है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो है पहले का दूसरा, ये किसने लिखा है, तो किसने लिखा है विलियम मैक डूगल ने। अब ढूंढिए जो है दूसरे का सी किसमें सही है, तो दूसरे का सी जो है कौन सा सही है, एक दिया बी में भी दिया और सी में भी दिया, तो यहाँ तो फ्लॉप हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। फिर इमाइल जो है किसकी रचना है, तो इमाइल किसकी रचना है रूसो की। तो ए का पहला किसमें दिया है, तो ए का पहला जो है किसमें दिया है सी में दिया है। फिर उसके बाद बी का जो है हमने बता ही दिया दूसरे का सी, और फिर उसके बाद यदि ऑप्शन है तो देखिए क्या दिया है एजुकेशन साइकोलॉजी, तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है किसकी रचना है, तो थार्नडाइक की है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है, थार्नडाइक को। और बी जो है ऑप्शन दिया है क्या एम्पिरिज, तो ये किसकी रचना है जॉन लॉक की। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला सही होगा,
और सी वाला आप लोग मिला लीजिएगा। एमाइल की रचना जो है रूसो ने की थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी की रचना विलियम मैकडूगल ने, और जो एम्पिरिसिज्म की जो रचना की गई थी जॉन लॉक के द्वारा, और एजुकेशन साइकोलॉजी की रचना जो है थार्नडाइक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। देखिए कोई भी मूल्यांकन होगा तो उसकी जब तक योजना नहीं बनेगी तब तक वो मूल्यांकन सफल नहीं है, ये भी सही है। शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड एवं अभिलेखों को तैयार करना। देखिए शिक्षक का मुख्य वर्क यही है कि जो भी चीज़ें जो है शिक्षा के क्षेत्र में है उनके रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित रखें, तो ये भी ऑप्शन सही है। और एक दिया बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। श्रेणीबद्ध करना जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और एक दिया है क्या शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया के साथ, शिक्षण को अधिगम की प्रक्रिया के साथ, मतलब जो भी शिक्षण दी जा रही है उसका अधिगम में एक प्रोसेस निश्चित होना चाहिए, ये भी जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शामिल किया गया। तो देखिए पहला दूसरा और चौथा जिसमें होगा वही जो है क्वेश्चन का जवाब होगा, तो इसमें ढूंढ लीजिए कौन सा है। ए वाला ऑप्शन जो है सही होगा, पहले का पहला और ये दूसरा और जो है चौथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने वो कलम पकड़ना सीखने से पहले, देखिए जब सीखने से पहले और सीखने की बात के बाद की जब बात आती है अधिगम में, तो सीखने से पहले की जब बात आएगी तो सीखने से पहले की बात में जो है विकास हमेशा क्या होता है अधोगामी होता है, केंद्र से बाहर की ओर, और जो है बाद की यदि बात होती है तो शीर्षगामी होता है बाहर से अंदर की ओर। तो इस पर बहुत ज़्यादा समय मत लीजिएगा। देखिए पहले कुछ करने से पहले से यदि क्वेश्चन रिलेटेड होकर के आएगा तो विकास की प्रक्रिया क्या होगी या दिशा क्या होगी अधोगामी, और बाद के प्रोसेस में यदि आएगा तो क्या होगा शीर्षगामी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि जो 20वीं सदी यदि माना जाए तो 20वीं सदी की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है? तो 20वीं सदी की शुरुआत जो है व्यवहारवाद जब आया तभी से मानी जाती है, और व्यवहारवाद का जन्म जो है 19वीं शताब्दी के मध्य और 20वीं शताब्दी से जो है शुरू हुई, और 20वीं शताब्दी में जो है व्यवहारवाद का जनक जो है माना गया किसको? जॉन ब्रोडस वाटसन को माना गया। इसलिए जो है 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा किसे कहा जाता है? तो जॉन ब्रोडस वाटसन को। और जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? अभी इस क्वेश्चन का जवाब जो हमने पीछे दिया है पहले ही क्वेश्चन में, लेकिन जब ये क्वेश्चन लास्ट वाला बन करके आ गया है तो इसको भी देख लीजिए। मनोविज्ञान जो है शुरू के दिनों में जो है स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित नहीं था, मतलब स्वतंत्र विषय के रूप में जब स्थापित नहीं था तो ये किसका हिस्सा था? तो एक दिया इसमें ऑप्शन दर्शन शास्त्र, एक दिया नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र और भौतिकी। तो देखिए जब ये विषय मनोविज्ञान जब शुरू में बना तो ये किसका हिस्सा था? दर्शन शास्त्र का। इसीलिए दर्शन शास्त्र को जो है मनोविज्ञान की क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। और जो है ये जो है शुरू के दिनों में जो है ये स्वतंत्र विषय नहीं था। स्वतंत्र विषय कब बना? तो स्वतंत्र विषय जो है ये बना 1880 ईस्वी में, और किसके सहयोग से बना था? तो बुंट के सहयोग से, जब चेतना का विज्ञान जो है इन्होंने अपना संप्रदाय या चेतना का विज्ञान जब थाट दिया था तो उस समय। तो ये चीज़ें जो है आज की यहीं तक रहेंगी। देखिए जितने भी 30 क्वेश्चन कराए गए हैं लगभग इसमें से अधिक क्वेश्चन जो है कभी न कभी टेट, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सी टेट में भी आए हुए,
तो आज का जो प्रैक्टिस सेट पहला था इस पे अपना लाइक शेयर और कमेंट पहले अवलोकन करिए वीडियो का सही ढंग से, उसके बाद इसका एनालिसिस करिए और एनालिसिस करने के बाद आप खुद पता करिए कि हम जो है अभी सीटेट और यूपीटेट की तैयारी में किस पड़ाव तक हैं। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, अच्छी लगने के लिए जो है आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल नया है, थोड़ा अधिक से अधिक ग्रो करने के लिए आप लोग जितना ही अधिक सब्सक्राइबर देंगे उतना ही उत्साह वर्धन के साथ हम लोग जो है आप लोगों के बीच में सेवा कर पाएंगे और आप लोगों को जो है मार्गदर्शित भी कर सकेंगे। धन्यवाद, शुभ संध्या।